नमस्कार, विपिन टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि OTP द्वारा वेरीफाई करने को बोलता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है इंटरफेस। आपका टिकट बुकिंग नहीं हो पाता है, यानी कि वेरीफाई आपको करने को बोलता है। देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस तरह से मुझे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होता है। आगे आपका बुकिंग ही नहीं होगा, कुछ भी आपका काम ही नहीं हो पाएगा जब IRCTC में आप लॉगिन करेंगे ऐप में, ब्राउजर में। ये कभी कभी साल दो साल में आपको देखने को इस तरह के मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि ट्रेन के रिलेटिव हर तरह के IRCTC हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ काम ही नहीं होगा। तो इसमें ये बता रहा है कि ऊपर में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसका और नीचे में आपका ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड है IRCTC अकाउंट बनाने समय आपने जो ईमेल एड्रेस डाला था वो है आपको ऊपर में शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको OTP और नीचे में सेंड OTP का ऑप्शन दिया है और एक एडिट का भी ऑप्शन है। तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग का ऐसा भी होता है कि जो अकाउंट जिससे IRCTC अकाउंट उन्होंने बनाया है वो मोबाइल नंबर खो गया है या टूट गया है, बंद है, मतलब कि उस पर OTP नहीं ले सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी फ्रेश मोबाइल नंबर को डाल करके भी आप OTP ले सकते हैं उस कंडीशन में। मान लीजिए मोबाइल नंबर गुम हो गया, पुराना था, यूज आप नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर को आप ऐड कर सकते हैं और उस पर OTP ले करके आप इस पर नीचे में डाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास नंबर है, ध्यान देंगे। और जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे उस नंबर से IRCTC अकाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से और एक ईमेल एड्रेस से हम लोग एक ही बार IRCTC अकाउंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ईमेल किसी के पास ये मेरे पास नंबर तो है तो मैं इसको नहीं फिलहाल आपको कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को ईमेल एड्रेस भी गुम हो जाता है, लॉगिन क्या पासवर्ड है, क्या लॉगिन है, बहुत पुराना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस से मोबाइल नंबर को लोग संभाल कर नहीं रख पाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ईमेल एड्रेस भी बहुत सारे लोग गुम हो जाता नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस को भी आप एडिट करके नया ईमेल एड्रेस जो आपका लॉगिन हो मोबाइल फ़ोन में उसको भी आप फ्रेश ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर OTP लेकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास फ़िलहाल दोनों है, ईमेल एड्रेस और मेरे पास मोबाइल नंबर भी चालू है। तो हमें मोबाइल नंबर को पहले वेरीफाई करेंगे और ईमेल एड्रेस को हम लोग वेरीफाई करेंगे। दोनों को वेरीफाई करेंगे OTP डाल करके, और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मेरा OTP जाएगा और उस OTP को हमें यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, नीचे में और वेरीफाई करना होगा। नीचे में आप देख रहे होंगे वेरीफाई यूजर का एक ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ईमेल एड्रेस पे OTP आ गया, ईमेल एड्रेस पे OTP आ गया और मोबाइल नंबर पे आया ही नहीं। तो आप उस या मोबाइल नंबर पे आ गया, ईमेल एड्रेस पे आया ही नहीं, तो आप कोई एगो को भी डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान देंगे कि आपको दोनों को वेरीफाई करना ही होगा। तो आप एगो को वेरीफाई कर देंगे तो फिर एक को आप दो दिन बाद भी कर देंगे, OTP नहीं आ रहा है तो एक दिन बाद भी कर देंगे उस कंडीशन में, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक वेरीफाई हो जाएगा तो दूसरा फिर वेरीफाई करना बाकी रहेगा। बारी बारी से मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ काम नहीं होगा। चलिए फिलहाल हम पहले ईमेल को ही वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंड OTP पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका इस ईमेल एड्रेस पे आपको OTP जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर में बता रहा है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है कि मेरा। और हम चलते हैं डायरेक्ट, हम बीच से काट देते हैं और हम अपना ईमेल पे चलते हैं। यहाँ पे जीमेल को मैंने ओपन किया और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, हालांकि इसमें इस मोबाइल फ़ोन में ईमेल नहीं है, किसी दूसरे फ़ोन में है, तो हम दूसरे फ़ोन से हम OTP ले लेते हैं और हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे OTP हमें डालना है। OTP आ गया है। ठीक है, मैंने ईमेल को लॉगिन नहीं किया था, तो ईमेल पे ज़्यादातर लोगों को OTP आने में दिक्कत नहीं होती है, मोबाइल नंबर पे दिक्कत होता है। ज़्यादातर एयरटेल, वोडाफोन ये सब का नंबर होता है, उन लोगों को OTP नहीं मिलता है जल्दी से। ठीक है,
जियो का नंबर पे ओटीपी बहुत फास्ट आता है, तो ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि आप ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप जियो का नंबर नया डाल करके ट्राई आप कीजिएगा, ठीक है। ईमेल वाले पे मैं नीचे में ईमेल का जो ओटीपी आया है मुझे मिला है वो मैं डाल दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ओटीपी का परेशानी आता है तो आप ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मुझे मोबाइल का फ़िलहाल ओटीपी नहीं मिला है, तो फिलहाल मैं इसी को सिर्फ वेरीफाई कर दे रहा हूँ। अगर मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा यहाँ पर, तो आप मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस पे जो मुझे ओटीपी मिला है उस ओटीपी को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, और जो भी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिलहाल इसमें नेटवर्क नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नहीं है नेटवर्क, और ये वोडाफोन का नंबर है इसलिए इस पर थोड़ा लेट से आता है। जियो का नंबर आता है, जियो पर थोड़ा फास्ट ओटीपी आता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ ईमेल को ही वेरीफाई फिलहाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर का ओटीपी आप वो आएगा, तो ऊपर में ओटीपी डाल दीजिए मोबाइल नंबर के नीचे, और ईमेल एड्रेस का ओटीपी ईमेल एड्रेस के नीचे डाल दीजिए, ठीक है। नहीं आता है तो रिसेंट का ऑप्शन आप दिया ही है, और मोबाइल नंबर आप चाहते हैं नहीं आ रहा तो आप नया दूसरा कोई जिसमें टावर आपका रहता हो आप एडिट करके यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई यूजर पर आप क्लिक करना है ओटीपी डालने के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि ईमेल ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल फॉर द यूजर, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो आपका ISTC का यूजर नेम है वो आपको शो करेगा यहाँ पे, मतलब बोल रहा है कि आपका ईमेल का ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ईमेल आईडी वेरीफाइडेड बता रहा है, अब मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करने को बता रहा है कि मोबाइल नंबर आप वेरीफाइड कीजिए तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप ओटीपी जब डाल दीजिएगा तो आपका जो भी है आपका लॉग आउट हो जाएगा ISTC से। इसके बाद आपको फिर से ईमेल एड्रेस और पूरा पासवर्ड जो आपका लंबा होता है वो डाल करके आपको फिर से आपको MPIN सेट करना होगा, यानी कि 4 डिजिट का जो पिन होता है पासवर्ड सेट करने के लिए आपको सेट करना होगा। इसके बाद आपका फिर से ISTC को आप यूज कर पाएंगे। बस यही है छोटा सा। देखेंगे यहाँ पे कि मेरा ईमेल को मैंने वेरीफाई कर दिया, मुझे OTP अब थोड़ी देर बाद मुझे मोबाइल का भी मिल चुका है, तो हम यहाँ पर OTP उसका कॉपी करके रखा हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया और वेरीफाई यूजर पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन OTP वेरीफाई सक्सेसफुल द यूजर, यहाँ पे यूजर ने मेरा ISTC का दिखा रहा है, ठीक है। अब ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल करके, ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डाल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मैं अपना फिर से यहाँ पर पासवर्ड को मैं डाल के आपको दिखा रहा हूँ। हेल्प में पासवर्ड आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं पासवर्ड बाद में अपना चेंज कर लूँगा। अच्छे से देख लीजिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं करेंगे नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो OTP थोड़ा लेट से आता है तो आपको देखना है, फिर से आपको पासवर्ड अपना डाल करके, यूजर नेम पासवर्ड डाल करके देखिएगा। लॉगिन कर चुका हूँ और फिर से आपको MPIN आपको अब सेट करना पड़ेगा, 4 डिजिट का पिन। देखेंगे फिर से मैंने पासवर्ड अपना सेट किया, आप सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पे पूछ रहा है रिमेंबर पिन, यानी कि मुझे आपको पिन याद है, आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे अपना लॉगिन कर चुके हैं, अब आप अपना ISTC में जा करके टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब आपको नहीं आएगी। तो यही है आपका सिंपल सा तरीका, बस आपको OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। ईमेल एड्रेस का OTP आपको ईमेल एड्रेस वाले पे डाल देना है, और मोबाइल नंबर का OTP जो आएगा अपना मोबाइल नंबर के नीचे डाल करके बस वेरीफाई यूजर पे क्लिक करना है, आपका वेरीफाई हो जाएगा और फिर से आपको लॉगिन कर लेना है, आपका टिकट बुकिंग होगा, सारा कुछ काम हो जाएगा। कभी कभी ISTC का अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है ताकि इसका मिसयूज तो नहीं किया गया हो, नंबर बंद तो नहीं है, इस तरह सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर के ISTC ने इस तरह के करता है। कभी रोज प्रतिदिन नहीं आता है, मतलब कभी कभी 6 महीने साल भर पर आपको इस तरह को देखने को मिल जाता है सभी लोगों को अकाउंट पे, ठीक है। हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, कभी कभी सभी लोगों को मिल जाता है। तो आप बिंदास होकर आप किसी भी टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे होंगे हर जगह आपका सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिए ताकि हम आपको जवाब दे सकेंगे, रिस्पॉन्स दे सकें। मिलेंगे जानकारी के साथ आपको।